बारामूला में आज उस वक्त दो नौजवान लड़के पुलिस फायरिंग के नतीजे में जान बहक हो गए, जब आज सुबह यहां लोगों की तरफ से एहतजाज हो रहा था। यह एहतजाज कल नमाज जुमा के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद यहां बिला ऐलान कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। फायरिंग का वाकया उस वक्त पेश आया जब अवामी एहतजाज के दौरान यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मीर मुश्ताक का गुजर हुआ, जिस दौरान गाड़ी में मौजूद उनके मुहाफिजों ने एहतजाज करने वालों पर गोली चलाई। गोली लगने के नतीजे में एक नौजवान लड़का मंजूर अहमद कुमार जान बहक हुआ। इस वाकये के बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दोबारा गोली चलाई, जिसके नतीजे में एक और नौजवान तनवीर अहमद शेख जान बहक हो गया। पुलिस की तरफ से गोली चलाने के नतीजे में मजीद 7 अफराद जख्मी।